विश्राम, सरला बहू, हम आ गए हैं। आई बाबूजी। जय गंगे। जी, बाबूजी। हाँ। बाबूजी, अच्छा हुआ आप आ गए। हम ना आप ही को फोन करने वाले थे। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाय बाबूजी, कुछ ठीक नहीं है, सब गड़बड़ हो गया। साफ साफ बताओ क्या बात है। बाबूजी, वो अम्मा जी ने ना खुद को शिव भैया के कमरे में बंद कर लिया, ना हमें अंदर आने देती है ना खुद बाहर आती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? तुमसे कुछ अनबन तो नहीं हो गई? हाय बाबूजी, नहीं नहीं, हम तो बल्कि उनकी चिंता कर रहे थे। हम तो उनकी सेवा करके उन्हें खुश करना चाहते थे। वो क्या ना बाबूजी, उन्हें खुश रखेंगे तो भगवान जी खुश रहेंगे, भगवान जी खुश रहेंगे तो फिर हमारे घर में खुशखबरी आएगी, और घर में खुशखबरी आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक ठीक है, इससे आगे कहने की जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे, देखते हैं। सरला बहू, बेटा हमारे लिए ना थोड़ी सी चाय बना दो, जरा सर में दर्द है। जी बाबूजी। नर्मदा जी, नर्मदा जी, दरवाजा खोलिए। ये सब क्या है नर्मदा जी? मुन्ना का सामान बांध रहे। लेकिन क्यों? नहीं, जब मुन्ना यहाँ रहता ही नहीं तो उसका सामान यहाँ क्यों रहता? हाँ, लेकिन ये सारा सामान फिर? आप चिंता मत कीजिए, विश्राम से कहकर हम कोठे में या फिर छज्जे पे रखवा देंगे। क्यों कर रही है सब आप? आपने ही तो मुन्ना को मुंबई भेज के हमसे दूर कर दिया, और मुन्ना भी अपनी माँ की ममता को ठुकरा कर गौरी के प्यार में उसने हमें छोड़ दिया, तो हम भी उसकी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इस कमरे में आते हैं मुन्ना का सामान देखकर हमें उसकी याद आती है, तो हमने सोचा इस सामान को यहां से हटा दें और इस कमरे को राम और सरला को दे दे। कम से कम वो दोनों यहाँ रहेंगे तो मुन्ना की यादों के निशान तो धुंधले पड़ेंगे। फरशिंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं। बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं। एका बाउल मध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा। तयार सँडविच पॅन मध्ये बटर वर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं। हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला, तो आनंद महत्त्वाचा, हसत राहा, आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया। आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी, अभिनंदन। आणि वहिनींना तथास्तु पुणे यांच्याकडून ही पैठण, अभिनंदन। काय झालं? काय आले? मी निकाल लावून आली हो, पण तिची आईच काय बोलली? तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई
मी चांगलं सुनावून आली आहे. त्या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं आता चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसला ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं ते असं. अगो पण आईज म्हणली काय तिची पटला काय तिका मला माहिती. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचा वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. होय काकू येते. सावकाश जाग. हो काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार बघूया.